इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड यूनिट थ्री चैप्टर थ्री पॉइंट टू सेवन सिस्टर्स जो पेज नंबर फिफ्टी वन पर दिया गया है सेवन सिस्टर्स क्या आप जानते हैं यह सेवन सिस्टर किसको बोला गया है मैं आपको बताती हूँ जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके सेवन स्टेट्स से, है छोटे छट छोटे जो इंडिया से थोड़े से अलग हैं मतलब ज़्यादा अंतर ज़्यादातर लोग विजिट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है तो ये जो छोटे छोटे स्टेट्स है नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट इंडिया के उनको सेवन सिस्टर बोला गया है तो आइए बच्चों इसके इनके बारे में हम पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश उसमें से पहला कौन सा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश दे कॉल मी लैंड ऑफ द राइजिंग सन द लैंड ऑफ द डाउन लेट सन आई एम अरुणाचल प्रदेश अब यहाँ पर स्टेट क्या बोल रहा है, खुद का इंट्रोडक्शन दे रहा है वो कहता है कि मैं मुझे राइजिंग सन यहाँ मतलब यहाँ पर सबसे पहले सन उगता है अरुणाचल प्रदेश से सबसे पहले में सन uh, उगता है द लैंड ऑफ द डाउन लेट सन तो कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं और द लैंड ऑफ द डॉन लिट सन भी कहते हैं यहाँ से सन राइज और सनसेट बहुत सुंदर दिखता है माई पीपल आर सिंपल एंड हॉस्पिटल हॉस्पिटेबल दे बिलोंग टू माई ट्राइब स्पीकिंग देर ओन लैंग्वेज यहाँ के लोग बहुत सिंपल और लोगों हॉस्पिटेबल मतलब लोगों लो का वेलकम करने वाले होते हैं दे बिलोंग टू मैनी ट्राइब्स स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेजेस यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइब्स होते हैं अलग अलग जातियाँ हैं जो अपने अपने लैंग्वेजेस बोलते हैं भाषा बोलते हैं उनकी सबकी अपने अपने भाषा होती है देयर डाइट इज लार्जली मेड अप ऑफ राइस एंड फिश मीट एंड मैनी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड पॉपुलर डिशेज मोमोज स्टीम्ड बंस विथ मीट और वेजिटेबल्स स्टफिंग्स क्या का मुख्य भोजन क्या है राइस विथ फिश मीट और बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स का और सबसे पॉपुलर डिश है मोमोज आपने खाई भी होगी है ना वाइट बॉल्स रहते हैं स्टीम्ड किए हुए उसके अंदर स्टफिंग रहती है या तो मीट की रहेगी या तो फिर वेजिटेबल्स की स्टफिंग रहेगी आई एम नेचर लवर्स है माई लैंड इज स्पॉटेड विथ मोनेस्ट्रियस lush green ग्रीन lakes for uh, waterfalls and deep river valleys. मुझे मैं nature, I am nature lovers heaven मतलब तो मैं उन लोगों के लिए मतलब जिनको नेचर से प्यार है हाँ उन लोगों के लिए एक हेवन हूँ मतलब जन्नत हूँ तो माई लैंड इज स्पॉटेड विथ मेरे जो लैंड वो मोनेस्ट्रीज से भरे पड़े हैं लैशेज है ग्रीन फॉरेस्ट है लेक्स है वाटर फॉल्स है डीप रिवर वैलीज है है ना तो इस चीज़ से बहुत सारे स्पॉट्स हैं, बहुत सारे मेरे यहाँ देखने के लिए ये सब चीज़ें स्पॉट्स हैं। इन माई लाइम स्टोन केव्स नोन एज टापे नूरू एंड फॉरेस्ट रिजर्व यू विल फाइंड द ग्रेट वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ तो मेरे जो लाइमस्टोन केव्स है जहाँ वो केव्स रहते हैं गुफाएँ है, तो वो उनको कहते हैं तापे नूरू और फॉरेस्ट रिजर्व्स जो है जंगल तो वहाँ पर आप क्या बहुत सारे वेराइटी के वाइल्ड लाइफ पाओगे यू मस्ट टेक इट अ पॉइंट टू विज़िट द फोर हंड्रेड इयर ओल्ड बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एट तवांग एंड इंजॉय कल्चरल फेस्टिवल्स एट जीरो तो यू मस्ट मेक इट अट विजिट तो आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पर है चार सौ साल पुरानी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री तावंग एक तावंग प्लेस है वहां पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है मोनेस्ट्री मतलब जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं मॉन्ग्स जिन्हें कहते हैं तो वहां उनका रहने की एक बिल्डिंग होती है एक घर उसे मोनेस्ट्री कहते हैं तो वो चार सौ साल पुरानी है और कहाँ पर तावांग में और आप एक कल्चरल uh, जो फेस्टिवल्स है वो एंजॉय कर सकते हैं जीरो में वो एक प्लेस है डोंट मिस द नाम टाइगर प्रोजेक्ट यू तो आ, आप नाम पा नाम का एक टाइगर प्रोजेक्ट है जहाँ पर टाइगर रहते हैं उसको मिस नहीं करना अगर आते हैं देखने के लिए तो You are also welcome to the many wildlife sanctuaries and national parks where you may say, see rare animals, birds and plants. I am also home to India's first orchid centuries. Or up aap, uh, wildlife centuries, maybe Swagata a national park par both rare animals, birds, plants, dekh sakte और मैं इन सब चीज़ों इन सब लोगों का इंडिया का फर्स्ट औरकिड सेंचुरी हूँ हु। मतलब होम हूँ जो ये जो वाइल्ड लाइफ है उन लोगों के लिए अब हमारा दूसरा स्टेट है आसाम फ्रेंड्स आई एम आसाम ऑल्सो नोन एज़ आहोम तो कह रहा है मैं मेरा नाम है आसाम और मुझे आहोम के नाम से भी जाना जाता है यू विल फाइन माई लैंड बिटवीन द ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड बराख रिवर तो ये जो ब्रह्मपुत्र और बाराक रिवर उसके बीच में एक ब्यूटीफुल वैली है वहाँ पर ये आसाम आ, आसाम पाया जाता है मतलब आसाम स्टेट है दे कॉल मी द गेट वे टू द सेवन सिस्टर्स वो मुझे गेट वे मतलब एंट्री ऑफ द सेवन सिस्टर्स माय पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल यहाँ के लोग भी बहुत ही साधारण और वेलकम करने वाले लोग होते हैं इफ़ यू कम हियर यू कैन एंजॉय द कुजिन विच हैज़ इट्स ओन डिस्टिंगटिव अरोमज एंड फ्लेवर्स अगर यहाँ के आप डिशेज ट्राई करेंगे क्विंस मतलब डिशेज तो आप उसके खुद के स्वाद है एक अलग अरोमा है फ्लेवर्स है आई एम ऑल आई आई एम नोन फॉर माई आर्टिस्टिक हेरिटेज एग्जॉटिक डांस फॉर्म्स एंड एलिगेंट टेम्पल तो मैं किस चीज़ के लिए फेमस हूँ हेरिटेज एक पर्टिकुलर कल्चर है सोसाइटी है उसके लिए आ, उसमें हम आर्टि, आर्टिस्टिक सोसाइटी होती है उसके लिए फेमस हूँ फिर उसके फेमस डांस फॉर्म्स होते हैं बीहू जिसे कहते हैं और एलिगेंट टेंपल्स वहाँ के टेंपल्स भी बहुत फेमस है द रिवर्स एंडश्योर दैट माय टेरिटरी इज़ लॉश एंड फर्टाइल विथ वेटलैंड ऑर्ड्स टी एस्टेट्स एंड सिनिक फॉरेस्ट एंड पार्क्स अब वहाँ पर रिवर्स भी बहुत है तो उसकी वजह से क्या होती है जो उनकी ज़मीन है वो बहुत ही लश uh, मतलब ग्रीन ग्रीनरी रहती है प्लांट ही रहती है ग्रास ली ट्रीज ऐसे उससे भरा रहता है और फर्टाइल भी होती है मतलब उपजाऊ होती है विथ वेट लैंड वेटलैंड मतलब जो गीली ज़मीन होती है उन्हें वेटलैंड्स कहते हैं जहाँ घास उगी रहती है तो ऐसे पूरी ज़मीन रहती है फिर वहाँ ऑर्किड झुकते हैं टीके चाय के बाग़ान हैं और फिर घने जंगल है पार्क्स है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानास नेशनल पार्क आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो उसमें कौन से फेमस पार्क्स हैं? नेशनल काजीरंगा नेशनल पार्क है मानस नेशनल पार्क है माय पिक्चर्स क्यों लैंडस्केप ऑफ गोल्डन ग्रीन राइस फील्ड्स एंड लैंडस्केप्ड टी एस्टेट्स इज ऑसम टू बी होल्ड एंड यू नो आसाम टी इज़ वर्ल्ड फेमस तो उसका जो मेन ये है लैंडस्केप वो क्या है गोल्डन ग्रीन राइस फील्ड रहते हैं और पूरी ऐसे लगता है गोल्डन चादर है और लैंडस्केप्ड चाय बागान से भरा रहता है। बहुत ही सुंदर दिखता है वो और वहाँ चाय आसाम की जो चाय है वो तो वर्ल्ड फेमस है है ना द चाय बाग़ान आसाम में चाय बाग़ान बहुत फेमस है द ब्रह्मपुत्र इज़ आसाम लाइफ लाइन जो ब्रह्मपुत्र नदी है आसाम में बहती है वो आसाम की लाइफ लाइन मानी जाती है द लैंड इज़ ऑल्सो रिच इन पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस कोल माइलस्टोन एंड अदर माइनर मिनरल्स और जो लैंड है वहाँ की वो वहाँ पर बहुत ही उपजाऊ है और वहाँ पेट्रोलियम भी मिलता है नेचुरल गैसेस भी मिलता है कोल माइल्स लाइम स्टोन एंड बहुत सारे मिनरल्स भी वहाँ पर मिलते हैं माई हैंड विल्क्स आर एक्स एक्सक्यूसाइड विथ नेचुरल कलर्स एंड डिज़ाइंस और वहाँ पर सिल्क से बुनाई होती सिल्क जो बहुत ही डेलिकेट और ब्यूटीफुल होती है सिल्क के फैब्रिक्स मिलते हैं विथ नेचुरल कलर्स और डिज़ाइंस दे से आर वुमेन वीव फेरी टेल्स ऑन देयर लूम्स आसाम सिल्क फैब्रिक्स एरी मुगा एंड पैट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर सिल्क इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन तो वहाँ की जो लेडीज़ है वो बहुत ही सुंदर कपड़े बनाती है उनसे हाँ और उन आसाम को की फैब्रिक को एरी मुगा पैट कहते हैं जो बहुत फेमस है वर्ल्ड फैशन में उनका यूज़ होता है हु? इन सिल्क फैब्रिक्स का आई एम नोन एज द लैंड ऑफ फेयरस एंड फेस्टिवल्स तो मुझे लैंड ऑफ फेयर्स और फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है द मेजर फेस्टिवल ऑफ़ आसाम इज़ बिहू है ना तो बिहू बहुत ही फेमस फेस्टिवल है और उसमें जो डांस करते हैं उसे बिहू डांस भी कहते हैं केन एंड बैम्बू आर द इनसेपरेबल पार्ट्स ऑफ माय लाइफ तो केन जो शुगर केन गन्ने और बैम्बू ट्री ये बहुत इंसेपरेबल पार्ट्स है मतलब जिसको इन चीजों को अलग नहीं किया जा सकता मुझसे उनके लाइफ से तो ये बहुत ही मेन पार्ट है केन एंड बेम्बू ट्री एस सोवेर यू कैन टेक द जापी ट्रेडिशनल सनशेड एंड मास तो आप uh, इस यादगार के लिए एक आप uh, ट्रेडिशनल जो एक सन शेड uh, रहता है जापी जिसे कहते हैं हम्म hmm. तो और मास उसे ले सकते हैं डोंट फॉरगेट टू विजिट द होम प्लेसेस कोई भी यहाँ आता है तो एज अ मेमरी वो ये चीज़ें लेता है एंड मास ठीक है तो ये था सेकेंड सिस्टर असम अब थर्ड सिस्टर है मेघालय हेलो फ्रेंड्स आई एम द दर्ज ऑफ क्लाउड्स मेघालय माय कैपिटल सिटी शिलोंग इज कॉल स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाइलैंड्स फॉग एंड सीनरी तो अब मेघालय कहते हैं कि हेलो फ्रेंड्स आई एम एडोब ऑफ क्लाउड यहाँ पर बादली छाए रहते हैं और उसका मेघालय के जो कैपिटल सिटी है मतलब राजधानी क्या है शिलोंग जो जिसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है स्कॉटलैंड क्योंकि क्यों कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जो फॉक से भरा है और सीनरी है ग्रीन ग्रीन माई पीपल स्पीक इंग्लिश खासी नार एंड गारो तो इनकी लैंग्वेज क्या है इंग्लिश खासी नार गारो ये लैंग्वेज है आई एम ओ वेलमिन ब्यूटीफुल वेलमिनिंग ब्यूटिफुल एंड एवरी थिंग हेयर इज इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल ग्रीन एंड अलाइव तो मैं बहुत ओवर वार्मिंग आभार कि वेरी वेरी ब्यूटिफुल जिसे ओवर वार्मिंग ब्यूटिफुल मतलब बहुत सुंदर एंड एवरी थिंग देयर इज इम्पॉसिबल ग्रीन अलाइव जो भी वहाँ पर जो भी है पूरा ग्रीन है एकदम लाइव ऐसा लगता है जिंदा आमने सामने ग्रीनरी है तो बहुत सुंदर दिखता है वहाँ वहाँ की सीन द रोलिंग मेस इन द वैलीज एंडुलेटिंग हिल्स लेक्स वाटरफॉल्स केव्स केवस फॉरेस्ट एंड एक्जॉटिक फ्लोरा एंड फ्यूना आर फैसिनेटिंग मतलब यहाँ यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ वैलीज हिल्स बहुत सारे लेक्स वाटरफॉल्स केव्स केव मतलब गुफाएं फॉरेस्ट हाँ ये सब देखने को मिलता है हियर झूम और शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस इवन टुडे झूम और शिफ्टिंग कल्टिवेशन मतलब जहाँ पर यहाँ ये यह लोग क्या करते हैं फसल फसल जब पहली वाली फसल होती है जब दूसरी उगानी होती है तो पहली वाली फसल को काट के उसको जलाते हैं फिर दूसरी उगाते हैं तो ऐसा इनका कल्टीवेशन है और इससे पोल्यूशन भी होता है पर ये आज भी किया जाता है वहाँ पर आई हैव लवली माउंटेंस विथ स्ट्रेच ऑफ स्ट्रेच ऑफ वैलीज हाईलैंड प्लेटिस ठीक है मेरे मेरे पास बहुत सुंदर माउंटेंस है वहाँ की स्ट्रेस वैलीज है लंबी चौड़ी वैलीज है हाई लैंड प्लेटिस है मतलब चट्टान है तो रॉक फॉर्मेशंस हियर कंटेंस रिच डिपॉजिट्स ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स लाइक कोल लाइम स्टोन यूरनियम एंड सिलिमेनाइट आई हैव मेनी रिवर्स तो यहाँ का जो रॉक बनते हैं तो उस वो उसमें इतनी कंटेंट जो रिच डिपोजिशन ऑफ क्या होता है मिनरल्स uh, का है कौन कौन से मिनरल्स कोल, लाइमस्टोन यूरेनियम, सिलिमेनाइट ये मिनरल्स उनकी चट्टानों में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है एंड आई हैव रिवर्स रिवर्स भी बहुत सारी बहती है वहाँ पर प्लीज़ कम टू सी छेरा

ठीक है आ, तो इंजॉय यहाँ के फॉरेस्ट को भी इंजॉय इंजॉय कीजिए ऐसा मेघालय कहते हैं आई बूस्ट ऑफ सेवरल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मेरे पास बहुत सारे सेवरल बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है फ्रेंड्स यू वुड बी अमेज टू सी द क्रेम लेट प्रा च इज़ द लोंगेस्ट केव एंड सिंगरंग पामीव पामियांग विच इज़ द डीपेस्ट केव तो यहाँ पर दो प्रकार के सबसे देखने लायक की देखने लायक केव से केव मतलब गुफा है जो सबसे लंबी गुफा है जिसका नाम है क्रेम इलेट प्रा और सबसे गहरी गुफा है जिसका नाम है सियारांग पामियांग तो ये बहुत ही अद्भुत केव है यू कैन एन्जॉय यू कैन एन्जॉय द पैनोरामिक व्यू ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम हि तो आप यहाँ से बांग्लादेश के भी दर्शन कर सकते हैं पानोर व्यू में वाइड एरिया ऑफ लैंड बहुत बड़ा पोर्शन आप बांग्लादेश से भी का भी देख सकते हो डू कम टू दिस फ्रेश माउंटेन स्टेट ड्यूरिंग द वगला फेस्टिवल इन autumn. तो ऑटम सीजन होता है ना तो autumn मतलब पतझड़ तो जो पतझड़ के समय एक फेस्टिवल मनाया जाता है वांगला तो ये, तब यहाँ आप ज़रूर आइए ऐसा मेघालय कहते हैं अब फोर्थ सिस्टर है मणिपुरम मणिपुरम हे आई एम द फोर्थ सिस्टर मणिपुरम द ज्वेल्ड लैंड आई एम प्राउड टू बी द ज्वेल ऑफ माई मदर इंडिया तो वो कहते हैं मैं फोर्थ सिस्टर हूँ मणिपुर जिसे ज्वेल्ड लैंड ज्वेल्ड मतलब एक रत्न जैसे हम कहते हैं तो उसे प्राउड है कि वो मदर इंडिया इंडिया का एक रत्न की तरह एक स्टेट है आई एम ऑल्सो नोन बाय माई निक नेम्स कांगली पाक एंड साना ली बाग तो उसका निक नेम क्या है कांगली बाग एंड साना ली बाग माई कैपिटल इज इम्फाल वेर यू कैन सी द साइक्लिस्ट वेलो ड्रॉम तो यहाँ का कैपिटल है मतलब राजधानी है इम्फाल मणिपुर की राजधानी क्या है इम्फाल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलाड्रोम वेलाड्रोम क्या है एक ट्रैक मतलब एक रास्ता जिससे और एक रास्ता बनाया गया जिस, जिस जिस जहाँ पर साइकिलिंग रेस होती है हुँ? तो उसे वेलाड्रोम कहते हैं मैनी ऑफ माई पीपल बिलोंग टू द मिची एथनिक ग्रुप एंड स्पीक मिची मणिपुरी लैंग्वेज तो वहाँ पर मणिपुरी मीठी लैंग्वेज भी मीठी uh, लैंग्वेज बोली जाती है आई हैव द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पोलो टू द यूरोपियन यू यूरोपियंस तो उसने जो पोलो गेम है वो इंट्रोड्यूस किया है किया था यूरोपियंस को अब पोलो गेम कैसे खेला जाता है इसमें क्या होता है घोड़े जो घोड़े के ऊपर एक राइडर बैठता है एक प्लेयर बैठता है जो बॉल को एक स्टिक से मारता है और गोल की तरफ लेके जाता है तो उस गेम को कहते हैं पोलो तो उसने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की थी यूरोपियंस को ठीक है माई पीपल्स स्टेपल डाइट कंसिस्ट ऑफ राइस फिश लार्ज वेराइटीज़ ऑफ लिफी वेजिटेबल्स बहुत एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल बट आवर इज सो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया ठीक है अब यहाँ का सबसे फेमस क्या है डाइट क्या खाया जाता है राइस फिश बहुत सारी लिफ़ी वेजिटेबल्स भी खाई जाती है जिसमें एक्वेटिक मतलब समुद्र के भी प्लांट्स खाए जाते हैं ठीक है टेरिस्ट्रियल जंगल के भी पर यहाँ के जो क्वज़िन होते हैं वो बहुत डिफरेंट है बाकी इंडिया से ड्यू टू द यूज ऑफ वेरियस एरोमेटिक हर्ब्स एंड रूट्स दैट अपीलियर टू माय स्टेट पर क्यों डिफरेंट होती है यहाँ की क्वजिन क्योंकि जो हर्ब्स यूज होती है वो एरोमेटिक होती है रूट्स भी रूट्स का भी एक अलग ही स्वाद रहता है तो ये सब चीज़ें यूज़ किया जाता है उनके इसमें डिशेस में, इस डिशे में। इसलिए वो डिफरेंट रहती है ब्लेस्ड अमेजिंग वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना आई एम होम टू अ होस्ट ऑफ रेयर एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ हेयर तो व, उनके यहाँ बहुत ही बहुत ही अद्भुत वेराइटी के फ्लोर एंड फ्यून जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं आ, आ, ट्रीट फॉर द आइज इज द दबुल लामजियो नेशनल पार्क तो वहाँ का नेशनल पार्क कीबुल लामजियो लाम नेशनल पार्क बहुत ही एक ट्रीट फॉर आइज मतलब आँखों को सुकून देने वाला एक पार्क है

जहाँ पर ये स्पीसीज पाए जाते हैं उसमें सेवेंटीन बहुत ही रेयर स्पीसीज ऑफ मैमल्स पाए जाते हैं मैमल्स में जो चार पैर वाले जो जानवर होते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं ठीक है इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड तो ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क वर्ल्ड में वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोला जाता है यू शुड कम टू सी लोक लोकटाक लेक एंड फ्लोटिंग आइलैंड्स तो आपको ले, लोकटाक लेक और फ्लोटिंग आइलैंड्स जो पानी के ऊपर तैरते हैं मतलब पानी से ऊपर बने हुए आइलैंड्स जिसे फ्लोटिंग जो ऐसा दिखाई देते है कि वो फ्लोट कर रहे पानी पे ऐसे आइलैंड बने हैं बहुत सारे तो ये आपको देखना चाहिए उसके लिए आपको आना पड़ेगा और मनीपुरी डांस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अक्लेम्ड क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया तो सबसे फेमस डांस कौन सा उनका मणिपुरी डांस हाँ जो एक क्लासिकल डांस है इंडिया का अक्लेम्ड मतलब बहुत उसमें अप्रिशिएटेड उस जिसका अप्रिशिएशन कर क्लासिकल डांस में सबसे ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल uh, मिलता है मिला है वो है मणिपुरी डांस को इंडिया में तो फोक डांसेज ऑफ ट्राइबल people captivate the beholders with the uh, with the exotic costumes and simple but graceful rhythm. अब folk dances jo tribal people hain to unki bhi folk dances होते हैं, उनके बहुत exotic costumes होती है, मतलब बहुत अनोखी सुंदर costumes होती है, और simple graceful rhythm से वो dance करते हैं। You should not fail to witness द मणिपुर मैरिकल आर्ट्स तांगटा एंड सार्ट सरक अब ये दो मणिपुरी आर्ट्स है हुँ? जिसका नाम है तांगटा एंड शार सरक तो आपको ये देखने से नहीं चुकना चाहिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेट uh, है नेक्स्ट सिस्टर है मिजोरम हेलो आई एम मिजोरम मिजोरम एम्प्लाइज लैंड ऑफ द हिल पीपल रिफर टू एज द कुकीज तो मिजोरम कहता है कि इसको लैंड ऑफ़ हिल पीपल भी कहा जाता है या तो फिर कुकीज़ के नाम से जाना जाता है आई इन्वाइट यू टू सी माई लैंड ऑफ लर्श हिल्स क्लेवस के सीरिन, सैरिन लेक्स एंड वाटरफॉल्स। तो वो मैं इन्वाइट करता हूँ कि आप मेरे बहुत सुंदर हिल्स uh, देखे चट्टाने देखे लेक्स वाटरफॉल्स देखे इतने सुंदर है वहाँ पर रोलिंग हिल्स स्ट्रेच अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ माइल्स एंड द प्लेन्स एंड वैलीज आर कवर्ड विथ लश फॉरेस्ट एंड थिक बैम्बू ग्रूव्स ग्रीन पैरी फील्स वाइन या स्टीमिंग विथ डाइवर्स वाइल्ड लाइफ तो वहाँ के जो हील्स है वो इतने लम्बे हैं और बहुत माइल्स तक हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक फैले हुए हैं जो वहाँ के प्लेन्स मतलब ज़मीन है वैलीज है वो फॉरेस्ट से ढकी हुई है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा uh, क्या पाया जाता है बैम्बूस के पेड़ पाए जाते हैं ग्रीन पैडी फील्ड्स ग्रीन पैडी फील्ड्स मतलब चावल चावल के फील्ड वाइनियस बेले ये सब वहाँ उन सब चीज़ों से फॉर वैली जो है ढकी हुई है माई रिग्रेट इज़ दैट नॉट मैनी ऑफ यू कम टू विजिट मी वेल Traveling in Mizoram is a little इन मिज़ोरम इज has डिफिकल्ट बट इट हैज़ इट्स ओन here नेचुरल ब्यूटी exquisite एंड मस्ट बी सीन टू बी believed. मेरा यही रिग्रेट रहेगा कि बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आ सकती बहुत डिफिकल्ट है यार ट्रैवल करना तो मिजोरम में बहुत डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा ट्रैवल करना पर यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो देखने लायक है माई कैपिटल इज आइज अ एंड फ्रॉम इट्स सीनिक लोकेशन यू कैन गेट अ कैपिटेटिव व्यू ऑफ लश एम्ब्रॉल्ड क्लाव रिवर वैली इन द वेस्ट एंड द चुरियल रिवर वैली इन द ईस्ट तो मेरा कैपिटल है आइज़वाल uh, आइजावल आइजावल उसका कैपिटल है मतलब राजधानी है और वो ऐसी जगह लोकेटेड है जहाँ पर बहुत सुंदर एम्ब्रेल कलर की ब्लूइश कलर की रिवर है जो वैली से बह रही है वैली मीन्स पहाड़ों से और वो द वो कौन से क्लावग रिवर है जो पहाड़ों से बह रही है वेस्ट में और ट्वीरियल्ड रिवर है जो ईस्ट में बहती है द म्यूज़ियम इन द फ्रंट इन द हार्ट ऑफ द सिटी जारकावत पोर्ट्राइज पोर्ट्राइज द कल्चर ऑफ मिजोरम विथ अ स्पलेंडेड कलेक्शन ऑफ कॉस्ट्यूम्स आर्ट फैक्ट्स एंड हिस्टोरिकल रैलिक्स तो यहाँ की म्यूज़ियम में बहुत सुंदर चीज़ें रखी गई जैसे आर्ट्स है जाकवत है ठीक पौ, पौ, है पोट्राइज है मिज़ोरम का कल्चर उसमें दिखाया गया है वहाँ पर कलेक्शन ऑफ कॉस्ट्यूम्स है कॉस्ट्यूम्स कैसे पहनते वो है फिर वहाँ के हिस्टोरिकल रिलेक्स मतलब आ, ऐसी चीज़ें जो पास को दर्शाती है वहाँ के तो ऐसी चीज़ें वहाँ के म्यूज़ियम में रखी गई है द पालक लेक इज़ द बिगेस्ट इन म्यूज मिज़ोरम एंड कवर्स थर्टी हैक्टर्स सेवेंटी फोर एकर्स और वहाँ की एक लेक है जिसका नाम है पालक जो बहुत बड़ी है मिजोरम की और वो उसने कितना कवर किया है थर्टी हेक्टर्स में अबाउट सेवेंटी फोर एकर्स जमीन जितनी कवर किया है डू यू नो दैट इट इज़ बिलीव दैट द लेक वॉज़ क्रिएटेड एज अ रिज़ल्ट ऑफ अर्थक्वेक और अ फ्लड तो ये जो क्या आप जानते हैं ये जो लेक है वो कैसी बनी है अर्थ क्विक और फ्लड से जो बाढ़ आती है उससे ये बनी है चम्फाई विथ इट्स फर्टाइल वाइन यार्स इज ऑल इज नोन एज द फ्रूट बाउल ऑफ मिजोरम अब वहाँ के जो फर्टाइल वाइन यार्ड्स है वायन मतलब अंगूर की खेती हाँ तो वो बहुत होती है वहाँ पर तो उसे क्या कहते वहाँ पर मिजोरम में द फ्रूट बाउल कहते हो वो जो किस नाम से जाना जाता है वो चंपाई। आई एम ऑल्सो होस्ट टू नेमरल फि स्पीसीज ऑफ बर्ड्स लाइफ वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा तो वहाँ पर भी बहुत सारे प्रकार के स्पीसीज ऑफ़ बर्ड्स मिलते हैं वाइल्ड लाइफ है जंगल है पाया जाता है यू कैन विज़िट द टू नेशनल पार्कस एंड सिक्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप यहाँ पर दो नेशनल पार्क और सिक्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ देख सकते हैं मीज़ो इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज और यहाँ पर यहाँ की लैंग्वेज क्या है मीज़ो जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है नेक्स्ट सिस्टर है नागालैंड हेलो आई एम नागालैंड वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट अब ये सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का जैसे स्विट्जरलैंड भी कहते हैं ईस्ट का हियर वी हैव अ लैंड ऑफ फोक लोर पास डाउन थ्रू जनरेशंस विथ म्यूजिक एज एन इंटीग्रल पार ऑफ आवर लाइफ अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है म्यूजिक फोक जो जनरेशन टू जनरेशन चलाता जा रहा है द एक्ट द एक्सक्वेसिटली पिक्चर्स क्यू लैंडस्केप द वाइब्रेंटली कलरफुल सनराइज एंड सनसेट लॉश एंड वर्ड एन फ्लोरा मेक माइ लैंड अन इमेजिनेबल ब्यूटिफुल तो जो मेरी लैंड है उसको बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल है अन इमेजनेबल लैंड बनाते हैं क्या सनराइज सनसेट बहुत सुंदर और वाइब्रेंट खिले हुए फुल ऑफ़ लाइफ एनर्जेटिक आ, फ्लोराज हुँ? तो ये मतलब प्लांट प्लांट्स जो होते हैं वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल पाए जाते हैं द